भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहद हुसैन है और फोटोशॉप की इस बेसिक ट्रेनिंग सीरीज़ में मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा, आपको बताऊँगा कि बेसिक फ़ोटोशॉप है क्या, बेसिक फ़ोटोशॉप की डेफिनेशन क्या है और आप फोटोशॉप में इमेजेस को किस तरह ओपन कर सकते हैं, फोटोशॉप में आप इमेजेस के दरमियान नेविगेशन किस तरह कर सकते हैं और फोटोशॉप का जो इंटरफेस है, जो उसके पैनल्स होते हैं, आप उनको किस तरह अरेंज या मैनेज कर सकते हैं और उसको एज अ वर्क स्पेस किस तरह सेव कर सकते हैं। तो फोटोशॉप बेसिकली एक ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया है एडोबी वालों ने। फोटोशॉप में आप अपनी जो इमेजेस होती हैं, जो फ़ोटोज़ होते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इमेजेस को रिटच करना चाहते हैं, उनमें करेक्शन करना चाहते हैं, या जैसे क्रॉपिंग वगैरह होती है, बेसिक इमेजेस की एडिटिंग होती है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ोटोशॉप में आप डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। जिस तरह फ़ोटोशॉप में आप लोगोज़ बना सकते हैं, फ़ोटोशॉप में पोस्टर्स बना सकते हैं आप। बेसिकली फ़ोटोशॉप में जितना भी ग्राफिक्स का काम होता है वो रेस्टर ग्राफिक्स का काम होता है ज़्यादातर। अब मेनली दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, एक होते हैं रेस्टर ग्राफिक्स, दूसरे होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। जो रेस्टर ग्राफिक्स होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं पिक्सल बेस्ड होते हैं, वो पिक्सल से बने होते हैं। और जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो बने होते हैं मैथमेटिकल लाइन से। जो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं उनमें ये होता है कि जब अगर आप एक इमेज बनाते हैं जिसकी जो डायमेंशन या साइज़ है वो 10x10 है, तो अगर आप उसको उस साइज से ज़्यादा स्केल करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है आप देखेंगे कि वो लॉस्ट हो जाएगी। जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं मोस्टली आपने एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, या जो इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम आइकन्स वगैरह बनाते हैं, वो वेक्टर बेस्ड होते हैं, उनमें कोई भी पिक्सल्स का नहीं होता। मतलब अगर आपने एक पिक्चर बनाई है जो कि 10x10 की है, तो अगर आप उसको स्केल करते हो ज़्यादा बड़ी साइज पे या उसको जूम करते हो, तो उसकी जो क्वालिटी है वो सेम रहेगी, उसकी क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फोटोशॉप में आप वेक्टर ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फोटोशॉप में काम होता है वो पिक्सल बेस्ड होता है। और कौन लोग फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, फोटोशॉप को जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी इमेजेस को रिटच करने के लिए, उन पर वाटर मार्क लगाने के लिए, या जितनी भी उनमें कलर करेक्शन वगैरह होती है उसको करने के लिए फोटोशॉप को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो डिज़ाइनर होते हैं वो भी फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं, लोगोस और पेनाफ्लेक्स या पोस्टर वगैरह जो जितने भी ब्रोशर्स वगैरह होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, या जो वीडियो गेम वगैरह के आर्टिस्ट होते हैं, इनकी जो मोबाइल की एप्स होती हैं उनके जो यूआई होती हैं, यानी कि यूज़र इंटरफेस होते हैं, वो भी हम फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप के इंटरफेस से। अब सबसे पहले जब आप फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं तो ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मेन्यूज़ हैं। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे मैं इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे, जैसे फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शन फाइल में आपको मिलेंगे, एडिटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको एडिट के मेन्यू में मिलेंगे, इस तरह से इमेज का मेन्यू हमारे पास, लेयर्स के बारे में जितने भी ऑप्शन हैं वो हमें लेयर के मेन्यू में मिलते हैं, इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बार होती है, टूल बार होती है, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार। अब प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार का ये मतलब होता है कि फोटोशॉप में हमारे पास नीचे एक टूल बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड टूल्स हैं, या ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड टूल्स हैं, या डिज़ाइनिंग की जितनी भी हम चीज़ें करेंगे, मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये सारे टूल्स एक एक करके डिटेल में बताता रहूँगा। तो प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार का काम ये होता है बेसिकली कि आप जब भी किसी भी टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हर टूल की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ या उसके अपने ऑप्शंस होते हैं, मतलब उसके अंदर वो वैरायटीज़ होती हैं कि आप इस टूल को इतनी ऑप्शंस इसमें हैं, आप इनको चेंज करके इस टूल से काम ले सकते हैं। तो जिस भी टूल को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी बार में आप देखेंगे कि उसका छोटा सा आइकन आ रहा होगा और उस टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे आपको इस प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार में डिस्प्ले या नज़र आएंगे। अब हर टूल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ फीडर की, और अगर मैं मूव टूल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलेगी क्योंकि वो रेक्टेंगुलर मर्की टूल की प्रॉपर्टी है। तो मतलब जिस भी टूल पर आप क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। जब हम टूल्स को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको हर एक टूल की
उसके साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी उस प्रॉपर्टीज में ऑप्शन है वो एक एक करके बताता रहूंगा। तो ये प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार है जिसके अंदर जिस भी टूल को हम सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो होंगी। और नीचे हमारे पास ये टूल बॉक्स है जिसके अंदर फोटोशॉप के तमाम टूल्स हैं। और एक्चुअली ये टूल्स जो हैं वो ग्रुप हुए होते हैं, मतलब एक जैसे जो टूल होते हैं जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, वो एक ग्रुप में उन्होंने रखे हुए हैं जगह को बचाने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, हर टूल के नीचे तकरीबन एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ टूल्स है। और कुछ ऐसे टूल हैं जैसे मैग्नीफायर है, जो जूम टूल है, वो एक सिंगल टूल है, तो उसके नीचे कोई भी इस तरह का एरो वगैरह नहीं बना हुआ। अगर आप इसकी टूल एक्सपेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टूल हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और आप देखें इस पर अभी एक डॉट बना हुआ है रेक्टेंगुलर, यानी ये सिलेक्टेड टूल है, और इसके अंदर ये तीन चार टूल है, मर्की टूल्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। अब ग्रुप रिलेटेड होते हैं, मतलब एक जैसे टूल एक ग्रुप में होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको मर्की टूल में जूम टूल मिलेगा, ठीक है। मतलब मर्की टूल्स का अपना ग्रुप है, लेसो टूल्स का अपना ग्रुप है, इस तरह से डिफरेंट टूल्स का, ब्रश पेंसिल का अपना ग्रुप बना हुआ है। तो ग्रुप को एक्सपेंड करने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं, या आप माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको क्लिक करके और थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे, फिर भी ये जो टूल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे। प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइड में फोटोशॉप में पैनल्स होते हैं, इसको इनको पैलेट्स भी बोलते हैं। अब इनमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और जैसे जैसे हम फोटोशॉप में आगे जाएंगे तो ये पैनल या जो पैलेट्स में ऑप्शंस हैं ये भी हम यूज़ करते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी जो पैनल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लेयर का जो पैनल है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको इनकी जो अरेंजमेंट वगैरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले फोटोशॉप में अगर आपने इमेजेस ओपन करनी है तो उसके कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, या आप कंट्रोल ओ कर सकते हैं और जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है उसको आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो फोटोशॉप में आपके लिए ओपन हो जाएगी। इसको मैं बंद करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो ग्रे एरिया है, आपको तकरीबन ब्लैक नज़र आ रहा होगा, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास ये ओपन की ऑप्शन आ जाएगी, और यहाँ से आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करनी है, या अगर आपको मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं कि आप इस तरह या तो रेंज ले लें इमेजेस की, या अगर आपको इमेजेस चूज करनी है तो आप एक इमेज को क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखें और दूसरी इमेज को क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट हो सकती है। इस तरह मैंने तीन इमेजेस को सिलेक्ट किया और ओपन किया तो वो मेरे पास इमेजेस ओपन हो गई। अब फोटोशॉप सीसी में ये जो इमेजेस होती हैं वो ऊपर टैब्स में आपको नज़र आ रही होती हैं, आप इनके दरमियान स्विच कर सकते हैं, या अगर आप इनको अरेंज करना चाहते हैं तो आप इनको जस्ट ड्रैग करके और इस तरह रीअरेंज भी कर सकते हैं, या अगर आपको ये अलग अलग विंडोज़ में चाहिए इमेजेस तो या तो आप इनको ड्रैग करके नीचे स्क्रीन पर रखें तो अलग अलग आपके पास वो इमेजेस आ जाएंगी वन बाय वन करके अगर आप करते हैं तो, या आप अगर विंडो में जाएँ, अरेंज में जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है विच इज फ्लोट ऑल इन विंडोज, तो आप देखेंगे कि सारी जो फोटोशॉप में इमेजेस हैं वो आपके पास जितनी भी आपने इमेजेस ओपन की थी वो अलग अलग विंडोज में आपको नजर आएंगे। आप इनको दोबारा ऐसे ग्रुप कर सकते हैं दूसरे के साथ ड्रैग करके, और फिर इनको आप इस तरह वापस टैब्स में भी लेके जा सकते हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा इमेजेस हैं तो आप विंडो में जाके, अरेंज में जाके, और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है दैट इज कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स, तो ये सारी इमेजेस दोबारा से टैब्स में अरेंज हो जाएंगी। अब उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो पैनल्स होते हैं, वैसे बहुत सारे पैनल्स होते हैं फोटोशॉप में, उनमें से काफ़ी जो हम यूज़ करेंगे जैसे लेयर पैनल है या कलर पैनल है, तो अब ये जैसे कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो जगह को बचाने के लिए काफ़ी पैनल्स को उन्होंने हाइड किया हुआ है जो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप का इंटरफेस होता है इसमें, या कुछ पैनल्स को डॉक में रखा गया है कि आप क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी उसकी विंडो शो हो जाएगी और अगर आप उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। आप इनको अपने हिसाब से, क्योंकि हर मतलब किसी का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, तो आप इनको अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जो पाथ्स का, अभी मैं आपको पैनल्स का काम नहीं बता रहा, मैं जस्ट उनकी अरेंजमेंट के बारे में बता रहा हूँ।